दोस्तों, यह कैथल के आरटीए दफ्तर की घड़ी है। यह घड़ी वर्षों से इस दीवार पर लटक रही है, लेकिन सोमवार को इस घड़ी के टाइम की कीमत उस समय बढ़ गई जब मुख्यमंत्री की फ्लाइंग टीम ने आरटीए दफ्तर पर छापा मारा। फ्लाइंग टीम के डीएसपी रविंदर शर्मा सोमवार को सुबह ठीक 9 बजे आरटीए दफ्तर अपनी टीम के साथ पहुंच गए थे। उस समय दफ्तर में सिर्फ 2 कर्मचारी पहुंचे थे। तीसरा कर्मचारी 9:15 बजे पहुंचा। बाकी 7 कर्मचारी 9:30 बजे तक भी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। डीएसपी रविंदर शर्मा ने अपने काम करवाने के लिए आरटीए दफ्तर पहुंचे लोगों की शिकायतें भी दर्ज की। रविंदर शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री को कैथल के आरटीए दफ्तर के कर्मचारियों के गैर हाजिर रहने की शिकायत मिल रही थी। रविंदर शर्मा ने बताया कि इस छापेमारी की पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी नियमों के अनुसार दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं डीएसपी सीएम फ्लाइंग और जिंदर कैथल मेरे पास है। मुख्यमंत्री जी की टीम है। मुख्यालय से आदेश प्राप्त हुए थे आज कि ये आरटीए ऑफिस में शिकायत प्राप्त हो रही थी कि अगर स्टाफ लेट आता है। हम पूरे 9 बजे यहाँ पहुँच गए थे। जब यहाँ हम आए तो एक पीएल और एक इनका मुलाकात कर्मचारी और था। अभी तक इनके टोटल 10 कर्मचारी है। एक 9:15 बजे आया, बाकी कर्मचारी अभी तक नहीं आए। तो क्या रूटीन स्पेशल चेकिंग मुख्यालय की तरफ से आदेश थे, ये चेकिंग थी और चेकिंग के दौरान 7 आदमी अभी तक नहीं आए। नहीं, अभी तक तो स्टाफ ही नहीं है, स्टाफ ही नहीं पहुंचे अभी तक तो। सर, इनका पूरा वो लेकर के क्या क्या नेग्लिजेंसी मिली है और यहाँ मुख्यमंत्री जी को भेज देंगे जी। हाँ, जो भी कमी है बाकी तो इनके डिपार्टमेंट के जो मुखिया उन्होंने देना है कि क्या कार्रवाई करनी क्या नहीं करनी। क्या कार्रवाई होगी ये लिख के भेजेंगे जी। बाहर खड़े हमारे आदमी कौन कितने बजे आ रहे हैं, उनका नाम लिख रहे हैं, पद लिख रहे हैं और समय लिख रहे हैं कौन कितने बजे आ रहे हैं, और ये लिख करके एक अपनी तरफ से एक रिपोर्ट बना के आज ही महकमा जो इनके चीफ बैठते हैं इनके आरटीए ऑफिस के चंडीगढ़, उन्होंने कार्रवाई करनी। हम उनको लिख के भेजें। अभी तक 3 कर्मचारी आए, 7 कर्मचारी अभी तक भी नहीं आए। रिन्यू करवाना है। अच्छा, आज तीसरा चक्कर, एक बार पहले आया था नेट नहीं चला 3 बजे तक, इंतजार करके चला गया। एक बार परसों आया था, फिर फोटो गलत खींच दी किसी और की फाइल है, मेरी फोटो खींच दी। आज फिर आया, छुट्टी ले गई। कौन से डिपार्टमेंट में? इंडसइंड बैंक पिपली ड्यूटी है। पिपली, हाँ जी। छुट्टी लेके आते होंगे? छुट्टी लेके आए। कितने चक्कर लग लिया? तीसरा चक्कर है। क्या जवाब दे रहे हैं? बस एक दिन तो नेट नहीं चला, खड़े खड़े चले गए 3 बजे तक। और एक दिन फिर आया, फोटो गलत खींच दी किसी और की फाइल में। विक्रम फोटो ले रहे हो? आज फिर आया दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार के कामकाज के बारे में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।